हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेवल वन क्वेश्चन 11 टू 20 ऑफ POC चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 11 से। अपने पास क्या दिया हुआ है, गिव ए सैम्पल टेस्ट टू डिफरेंशिएट साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन। तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। और साइक्लोहेक्सीन हमारे पास क्या होता है, साइक्लोहेक्सीन हमारे पास ये वाला होता है, यानी ये एल्केन और एल्कीन। हमारे पास ये है साइक्लोहेक्सीन और हमारे पास ये है साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, तो हमारे पास जब अनसेचुरेशन का टेस्ट करते हैं कि हमारे पास कोई भी एल्कीन है उसमें आप ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या होता है कि ब्रोमीन वाटर रेड कलर का होता है, वो रेड कलर डिसअपियर हो जाता है, रेड कलर डिसअपियर। बट अपन क्या करेंगे, यदि एल्कीन के साथ में ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराएंगे, तो सिंपल एल्कीन है उसकी ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनसेचुरेशन यानी पाई बॉन्ड नहीं है, सी डबल बॉन्ड सी वाला, ये एल्कीन और एल्काइन ही रिएक्शन देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये वाला टेस्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि एक के साथ रिएक्शन कर रहा है दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, ये लाइट पिंक कलर का होता है, लाइट पिंक कलर। जब इसको अपन क्या करते हैं, बेयर्स रिएजेंट को एल्कीन में ऐड करते हैं, कि हमारे पास यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट को ऐड किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो लाइट पिंक कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, पिंक कलर डिसअपियर्स, ठीक है। बट एल्कीन के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो ये भी अपने पास डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज हो सकता है। नेक्स्ट है टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, एल्कलाइन KMnO4, सॉरी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में न तो एल्कीन रिएक्शन करता है, नहीं एल्कीन रिएक्शन करता है, तो इसको डिफरेंशिएशन मेथड के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर ए एंड बी होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 12, गिव टेस्ट टू डिफरेंशिएट ब्रोमोबेंजीन एंड बेंजाइल ब्रोमाइड। तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन, देखिए सबसे आप पहले क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है, ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन आप किसके साथ कराएं, ऑप्शन देखें एक्वस KOH के साथ, तो कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, नो रिएक्शन। बट यहाँ पर क्या हो जाए, PHCH2Br जो कि बेंजाइल ब्रोमाइड है उसकी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी, ये OH- अटैक करेगा इस कार्बन पर, Br लीव कर जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, PHCH2OH, जिसको आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, जो कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हो जाएगा अपने पास कि यहाँ पर जो बेंजाइल ब्रोमाइड है वो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, बट ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, तो ये मेथड यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है AgNO3 के साथ रिएक्शन। तो इसके आप जब AgNO3 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये Br ईजिली निकल जाएगा, SN1 पाथ फॉलो करेगी और हमारे पास कार्बोकोटेंगी काफ़ी स्टेबल बनता है, इसलिए AgBr का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा जो कि येल्लो PPT होता है, ठीक है। बट हमारे पास जो ब्रोमोबेंजीन है उसके आप AgNO3 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो Br है वो लोन पेयर इसका जो है रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट है KMnO4। KMnO4 के साथ आप देखें तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन के PHBr के आप रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास KMnO4 से क्या है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। बट बेंजाइल ब्रोमाइड अपने पास है, बेंजाइल ब्रोमाइड में हमारे पास अल्फा पोजीशन पे क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, तो जब भी आप हॉट KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं नोट करके, कि हमारे पास जब भी बेंजीन के अल्फा पोजिशन पर कोई कार्बन है जिस पे अल्फा हाइड्रोजन है, या अपने पास इस तरह का कम्बिनेशन है कि कार्बन से कोई अनसेचुरेशन कर रहा है कोई एलिमेंट, तो जब इसके KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा हमेशा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दोनों में से एक ही रिएक्शन कर रहा है, तो ये भी अपन सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 13, गिव टेस्ट टू डिफ्रेंशिएट 1,1 डाइक्लोरोइथेन एंड 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं 1,1 डाइक्लोरोइथेन, CH3CHClCl, ये है 1,1 डाइक्लोरोइथेन। यदि आप इसकी रिएक्शन पहले एक्वस KOH के साथ करा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये CH3CHOHOH, जिसमें एक कार्बन पर OH हाईली अनस्टेबल है, तो वाटर रिमूव हो जाएगा और बन क्या जाएगा, यहाँ पर
CH3 CHO बन जाएगा। बट यदि अपन वन 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 टू डाइक्लोरोइथीन ले, यानी हमारे पास CH2 CH2 Cl, इसके आप एक्वस केओएच के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक्वस केओएच के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CH2 CH2 यहाँ पर ही SN2 रिएक्शन होगी दोनों में, और यहाँ पर OHOH ग्रुप लग जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आप यदि किसके साथ कराएं, ये हमारा ये प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, तो 2,4-DNP टेस्ट अपने पास कौन सा देगा, ये वाला 2,4-DNP टेस्ट देगा, और यहाँ पर 2,4-DNP के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। 2,4-DNP टेस्ट कैसे होता है कि हमारे पास जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजिन, ये हमारे पास कंपाउंड होगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजिन, इसमें रिएक्शन में अपने पास क्या होता है, ये वाटर रिमूव हो जाता है, वाटर रिमूव होकर हमारे पास इमाइन का फॉर्मेशन होता है, क्या बन जाएगा कंपाउंड, CH3 CH डबल बॉन्ड एन एन एच, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, दो NO2 ग्रुप है, तो ये हमारे पास येलो ऑरेंज PPT मिलता है जो कि कार्बोनिल कंपाउंड के डिटेक्शन के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एल्डिहाइड क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड ही है, तो ये सेपरेशन के लिए अपन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सिक्वेंस कौन सा है, पहले एक्वस KOH यूज़ करें देन 2,4-DNP यूज़ करें, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ, मिथेनॉल और फिनोल। मिथेनॉल अपने पास एक एल्कोहल है जो कि क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, और फिनोल हमारे पास क्या है, एसिडिक कंपाउंड, एसिडिक एच होने की वजह से एसिडिक, तो एसिडिक जो होते हैं कंपाउंड लिटमस टेस्ट यदि करें तो वो अपने पास रेड को ब्लू कर देते हैं, और यहाँ पर एल्कोहल जो बेसिक होते हैं वो ब्लू में कोई भी चेंज नहीं करते, ब्लू लिटमस नो चेंज, तो हमारे पास पता लग जाता है। तो यानी लिटमस टेस्ट हमारे पास यहाँ पर दोनों के लिए अपन देख सकते हैं, एक में हमारे पास जब रेड लिटमस को लेके आएंगे तो ब्लू हो जाएगा, एक में ब्लू लिटमस को लेके आएंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स सेपरेट आउट हो जाएंगे ईजिली। नेक्स्ट हमारे पास FeCl3, FeCl3 टेस्ट मेनली इनोल्स के लिए करते हैं, तो हमारे पास फिनोल क्या होता है, एक इनोल ही होता है, तो यहाँ पर FeCl3 के साथ में जब ये रिएक्शन करेगा तो हमारे पास वॉयलेट कलर सॉल्यूशन मिलेगा, बट अपने पास FeCl3 जो है वो CH3OH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसकी भी अपन यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए कि एक रिएक्शन कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, पर हमारे पास फिनोल है। अब फिनोल की रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ में कराएंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ में जैसे आप रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ से अपने को Br+ मिलेगा, और हमारे पास OH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन हमारे पास Br से रिप्लेस्ड हो जाएगी, ये हमारे पास क्या होता है, वाइट कलर का PPT होता है, तो और एल्कोहल अपने पास ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, तो ये भी अपन सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15th, एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाई, तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, CH3 CHO, और बेंजाल्डिहाइड होता है PH CHO, दोनों ही टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन देंगे, तो ये सेपरेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। आयोडोफॉर्म टेस्ट देखें तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या ज़रूरी है, ये वाला ग्रुप जरूरी है, तो हमारे पास CH3 CHO में देखें तो CH3 C डबल बॉन्डो H मिथाइल कीटो टाइप से ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी हमारे पास NaOH+I2 के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो CH3 आयोडोफॉर्म मिलेगा जो कि येलो कलर का PPT होता है, ठीक है, इसकी वजह से अपने पास टेस्ट हो जाएगा, बट बेंजाल्डिहाइड अपने पास ऐसा कोई ग्रुप है नहीं, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। अब अपन क्या देखें, फेलिंग टेस्ट देखें, तो फेलिंग टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, एक्वस CuSO4.5H2O, ये तो फेलिंग फेलिंग ए होता है, और फेलिंग बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, ये हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन होता है। अब हमारे पास इसमें एक एक्सेप्शन याद ही रखना है आपको कि फेलिंग टेस्ट जो होता है वो सारे एल्डिहाइड्स के लिए देता है, गिव्स टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, ठीक है, बट एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, ये बेंजाल्डिहाइड के साथ नहीं देता, एक्सेप्शन है कि हमारे पास नॉट विद PH CHO, तो हमारे पास जो एसिटाल्डिहाइड है वो रिएक्शन दे देगा और अपने पास रिएक्शन करके एक PPT का फॉर्मेशन करेगा बट PH CHO नहीं करेगा, तो ये भी अपन डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो फेलिंग टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर जो हो जाएगा अपना डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है 16th, इथाइलेमीन एंड डाईथाइलेमीन कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बाई, तो
हमारे पास इथाइलामिन क्या है, इथाइलामिन अपने पास प्राइमरी एमाइन है, और डाइथाइलामिन क्या है, हमारे पास सेकेंडरी एमाइन है। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी एमाइन है कि नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन से दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये सेकेंडरी एमाइन है। तो हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है वो डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, अपने पास टेस्ट करने के लिए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन कौन से है। तो वो टेस्ट होता कैसे कि हमारे पास प्राइमरी एमाइन है, सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ अपनी रिएक्शन कराई, तो ये इस पर अटैक करता है सल्फर पे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, बैक जाता है और सी एल लीव कर जाता है, ये बना। फिर एल्कली में जैसे करेंगे तो ये सोल्यूबल हो जाएगा इस एच की वजह से, पर सेकेंडरी एमाइन में करेंगे तो हमारे पास ये एन ओ एच में सोल्यूबल नहीं होगा, और हमारे पास टर्शरी एमाइन तो रिएक्शन करेगा ही नहीं बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ है। तो ये हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए, डिटेक्शन के लिए होता है, सेपरेशन के लिए, कि हमारे पास यहाँ पे इथाइलेमिन और डाइथाइलेमिन के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, बट अपने को पूछा क्या है, कैन नॉट, कि कौन से रिएजेंट को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है कार्बिलेमिन टेस्ट, कार्बिलेमिन टेस्ट भी किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी गिवन बाई ओनली प्राइमरी एमाइंस, ओनली प्राइमरी एमाइंस। तो प्राइमरी एमाइंस के साथ में जैसे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, तो ये कार्बिलेमिन रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म प्लस क्यूएच के साथ रिएक्शन करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा जो कि बैड स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। ठीक, केवल प्राइमरी एमाइन देगा, तो यहाँ पर दोनों में से केवल एक रिएक्शन करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तो सेपरेशन ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमारे पास कैसा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, या तो मिथाइल कीटो होना चाहिए या CH3CHOH, ये ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, और दोनों ही ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट अपन यूज़ नहीं कर सकते फॉर सेपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन एंड सेकेंडरी एमाइन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कैन नॉट का, वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 17, लेसाने टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल फेल इन द केस ऑफ। तो लेसाने टेस्ट जो किया जाता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन, नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड। तो यहाँ पर ये देखें तो ये यूरिया, इसका यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पर भी देखें तो ये सेमी कार्बाजाइड है, यहाँ पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पर देखें तो ये भी अपने पास पीएच बेंजीन रिंग से जुड़े हुए ग्रुप है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बस यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव नहीं है ये, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अपन लेसाने टेस्ट नहीं देते, चाहे उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो या नहीं हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18th, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड व्हेन एडेड टू एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सल्फाइड आयंस प्रोड्यूस ए कलरेशन विच इज़। तो हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का यूज़ कब करते हैं, जब अपने पास कंपाउंड में सल्फर एलिमेंट का डिटेक्शन अपने को करना होता है। तो सबसे पहले सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2FeCN5NO, ये हमारा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है। तो हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सल्फर रखता है, जब आप उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करेंगे, ये हमारे पास ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि कन्फर्मेशन होगा किसका, सल्फर वहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये थियोरिटिकल एस्पेक्ट था, आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट है 19th, जेलडाल मेथड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास जेलडाल मेथड की जो रिएक्शंस होती है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले H2SO4 के साथ करके अमोनियम सल्फेट बनाते हैं, और फिर NaOH में डिजोल्व करके अमोनिया गैस रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन किस पे करता है, अमोनिया के वॉल्यूम पे करता है, तो यहाँ पर स्टडी अमोनिया पे होता है। डुमाज मेथड में नाइट्रोजन पे स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 20, जेलडाल मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन K2SO4 एक्ट एज। तो हमारे पास जेलडाल मेथड के यहाँ पे प्रोसेस है, डाइजेशन होता है पहले, डिस्टिलेशन होता है, टाइट्रेशन होता है। डाइजेशन में अपन K2SO4 का यूज़ करते हैं फॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.